पांच टेस्ट मैच के सीरीज में लोकेश राहुल ने भले ही टीम इंडिया के लिए कुछ न कर पाए हों, लेकिन उन्होंने इस सीरीज में एक ऐसा काम किया है जिसके चलते उन्होंने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ का एक खास रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें कि द्रविड़ का ये रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब लोकेश राहुल एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा कैच पकड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में केएल राहुल ने बेन स्टोक्स का कैच पकड़कर राहुल द्रविड़ के एक सीरीज में सबसे ज़्यादा 13 कैच लेने के बाद भारतीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने पहली पारी में ब्रॉड का कैच लेकर एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा 13 कैच लपके पूर्व भारतीय कप्तान द्रविड़ के रिकॉर्ड की बराबरी की थी, जो उन्होंने 2004 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान बनाया था। लोकेश राहुल ने इंग्लैंड की धरती पर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। राहुल अब इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। राहुल ने पहली पारी में ब्रॉड का कैच लेकर इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। ब्रॉड का वो कैच उनका 13वां कैच था, लेकिन स्टोक्स का कैच पकड़ने के बाद अब यह आंकड़ा 14 तक पहुँच गया है। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस